नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके जानेंगे 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इस घंटी को दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सरकार ने शुरू की सुविधा, आरोग्य सेतु यूजर्स एक जगह रख सकेंगे अपने हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड। अभी खत्म नहीं हुई महामारी, कई और वेरिएंट्स का खतरा बरकरार, WHO की चीफ साइंटिस्ट ने किया अलर्ट। अगले 2 से 3 महीनों में करीब 100 शैक्षणिक टीवी चैनलों का किया जाएगा शुरुआत, शिक्षा मंत्रालय विस्तार देने में जुटा। SEBI की बड़ी कार्रवाई, रिलायंस होम फाइनेंस अनिल अंबानी समेत 3 अन्य को बाजार से किया गया बैन। मनिका बत्रा के नेशनल कोच पर लगाए गए आरोप हुए साबित, हाईकोर्ट ने सौम्यदीप राय को ठहराया दोषी। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, कहा CA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस ले वापस, नहीं तो हम रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से CA विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ जारी वसूली नोटिस को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण की वोटिंग में किसकी गर्मी शांत हुई, राकेश टिकैत। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने राकेश टिकैत से पूछा कि कैराना और मुजफ्फरनगर में वोटिंग हो चुकी है तो किसकी गर्मी शांत हुई, जिस पर टिकैत ने कहा जनता बड़ी साइलेंट वोटिंग करती है। पार्टी कुर्बानी पर एक भी सीट नहीं, अखिलेश यादव बोले अपने चाचा शिवपाल यादव को। औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार 4th महीने भी सुस्त, विनिर्माण क्षेत्र का कमजोर प्रदर्शन रहा। हरियाणा आरक्षण मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा रिजर्वेशन से जुड़े मामलों पर एक साथ विचार करें। आर्मी पर बनी एक फिल्म को क्यों नहीं दी गई NOC, सरकार ने संसद में बताई वजह। भारतीय सेना ने मिलिट्री अफसर को समलैंगिक दिखाने वाली एक फिल्म को NOC देने से इनकार कर दिया है। सामने आई 6 मीटर लंबी टेबल की सच्चाई, राष्ट्रपति मैक्रो का डर था रूस चुरा लेगा उनका DNA। भारत के 257 थानों में वाहन नहीं, 638 के पास में फोन की सुविधा नहीं, संसदीय समिति की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मास्टर गैंग का भंडाफोड़, अब तक 10,000 से ज्यादा मोबाइल किए चोरी, खुली पोल। देश की राजधानी में पुलिस ने मास्टर गैंग के भंडाफोड़ कर दिया है, ये गैंग अब तक 10,000 से ज्यादा मोबाइल चोरी कर चुका है। मास्टर गैंग चोरी के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करता था। अयोध्या के येलो जोन में पकड़ा गया बांग्लादेशी युवक, अलग अलग पते का आधार कार्ड बरामद। दिल्ली के नरेला में बड़ा हादसा, बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की दबकर मौत, 2 लोग हुए घायल। IPS अजय पाल लांबा को आसाराम मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने किया तबल। UP चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने PM मोदी पर बोला हमला, लोगों से कहा भविष्य को ध्यान में रखकर ही वोट दें। ट्विटर ने यूजर से मांगी माफी, कहा टेक्निकल बग के कारण आई समस्या को किया ठीक। चीनी सेना को जवाब देने के लिए भारतीय सेना हुई और सक्षम, मिले अत्याधुनिक हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां। कनाडा के ओंटारियो में ट्रक चालकों के विरोध के बीच आपातकाल घोषित, बड़े पैमाने पर व्यापार प्रभावित होने की आशंका। मध्य प्रदेश में कर्नाटक में हिंदू लड़कों के बीच इस्लाम के नारे लगाने वाली मुस्कान पर भोपाल काजी ने दिया बयान। देश में 2018 से 2020 के बीच कैंसर के 40 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, वहीं 22,54,000 लोगों की मौत हुई है। रेल मंत्री ने कहा 7 रूट्स पर चलेंगी बुलेट ट्रेन, सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने का लिया गया है निर्णय। रेल मंत्रालय ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी मुंबई नागपुर दिल्ली अहमदाबाद मुंबई हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु मैसूर वाराणसी हावड़ा और दिल्ली अमृतसर के लिए सर्वेक्षण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। IPL के मेगा ऑक्शन में आज खिलाड़ियों पर बरसेगा पैसा ही पैसा। IPL के 15वें सीजन के लिए मेगा नीलामी की शुरुआत आज होगी, बेंगलुरु में खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। इस बार 590 क्रिकेट खिलाड़ी पर बोली लगाई जाएगी, इसमें 370 भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से KL राहुल और अक्षर पटेल हुए बाहर। UP के 80 लाख असंगठित श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, होने जा रहा 1,000 भरण पोषण भत्ते का भुगतान। ग्रेट खली बोली प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर उन्होंने ज्वाइन किया भाजपा। आचार संहिता उल्लंघन पर भाजपा प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज। हरियाणा में राम रहीम को फरलो के सवाल पर बोले दुष्यंत चौटाला, फरलो हर कैदी का अधिकार है, मैं तो खुद भुगत भोगी रहा हूँ। कानपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर साधा निशाना, दलित लड़की की हत्या पर साधे चुप्पी।
वाहन PLI योजना में फोर्ड, टाटा मोटर्स सहित 20 कंपनियां शामिल, 45,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। कर्नाटक में हिवाज पर बढ़ते विवाद के बीच कॉलेज यूनिवर्सिटी 16 फरवरी तक किए गए बंद। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 14 मार्च तक के लिए स्थगित, आएंगे अभी और वेरिएंट्स। यूपी सरकार का बड़ा आदेश, सोमवार से खुलेंगे नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल। भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध, समिट में बोले PM मोदी। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 50,407 नए केस सामने आए हैं, वहीं 1,36,962 लोग COVID-19 से ठीक हो गए हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में 16,012 नए COVID-19 के मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है। गोवा में प्रशांत किशोर के संगठन पर IPAC के ठिकानों पर छापा, गांजा बरामद, एक सदस्य अरेस्ट किया गया। दूसरे चरण के मतदान के लिए 2 दिन बाद थमेगा प्रचार, इन नेताओं पर रहेगा दांव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों के लिए शनिवार शाम 6 बजे तक प्रचार थम जाएगा। इस चरण का मतदान 14 फरवरी से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसमें 2 करोड़ से अधिक मतदाता 586 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। उत्तराखंड में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पुलिस तैयार है। विभिन्न जिलों में 145 संभावित विवाद वाले मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा के साथ ही CCTV की निगरानी की गई है। वाराणसी में साफ हो चला है आसमान, 2 दिनों के बाद बादल हो सकती है। कोविड की बूस्टर शॉट कब तक वायरस से बचने में करती है मदद, स्टडी में हुआ खुलासा। फाइजर और मॉडर्ना तीसरी खुराक का असर 4 महीने तक काफी हद तक कम हो जाता है। ग्वालियर के GR मेडिकल कॉलेज ने 5 दिन पहले भेजी DRD को सैंपल, अब तक नहीं आई जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट। कोरोना का खौफ, मौत के आंकड़ों ने फिर डराया, 24 घंटों में 804 लोगों ने गवाई जान, 50,407 नए मामले। कर्मचारियों को मिल गई सौगात, DA में हो गया 3% का इजाफा, खाते में आने लगे पैसे। अमेरिका ने चेताया है कि यूक्रेन पर रूस किसी भी दिन हमला कर सकता है। अमेरिका ने कहा कि हमला करने के लिए रूसी पूरी तरह तैयार है। हमले को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को अगले 48 घंटों के भीतर छोड़ने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के CM का ऐलान, कहा सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित करेगी कमेटी। मैसूर पुलिस ने रविवार तक लगाई रैलियों, विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी, शहर में धारा 144 लागू रहेगा। IPL मेगा ऑक्शन 2022 में डेविड वार्नर को खरीदने की मचेगी होड़, नीलामी के दौरान लगेगी बड़ी बोली। झारखंड में शुक्रवार को मिले 206 नए कोरोना मामले, नहीं हुई एक भी मरीज की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, क्वाड ने बेहतर किया काम, क्योंकि हमारे द्विपक्षीय रिश्ते रहे हैं मजबूत। जिनपिंग ने दिया झटका, अब चीन को लेकर भारतीयों को दी गई चेतावनी। भारत के शीर्ष मेडिकल शिक्षा रेगुलेटर नेशनल मेडिकल कमीशन ने भारतीय छात्रों को चीनी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के खिलाफ चेतावनी दी है। NMC ने एक नोटिस जारी कर छात्रों को चीन के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने को लेकर आगाह किया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अलवर्द के 3 आतंकवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद की गई।